हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 15 मार्च, यानी गेम रिलीज डेट। तो बेसिकली आज सुबह 7:30 बजे से ही मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि गेम कहाँ है, अभी तक गेम रिलीज़ नहीं हुआ है, मैंने इंस्टॉल कर लिया, गेम चल नहीं रहा है, सर्वर नॉट फाउंड, इससे कुछ मैसेज आ रहे हैं सबकी फ़ोन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो बेसिकली ये कल ही ट्वीट आ गया था कि गेम रिलीज़ हो रहा है, आज रिलीज़ होने वाला है। सो पहले चेक लेते हैं प्ले स्टोर में कि गेम एक्चुअली में आया है कि नहीं। सो ये रहा प्ले स्टोर में, खुल गया हूँ, फिर से मार रहा हूँ डेड बाई डे लाइट, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर लेकिन वेबसाइट से चेक कर लेते हैं, अगर वेबसाइट में आ चुका होगा तो ये रहा वेबसाइट डेड बाई डे ऑफिशियल वेबसाइट है, डाउनलोड ना हो गूगल प्ले स्टोर। सो देख सकते हैं मेरे डिवाइस में कुछ ऐसा आ रहा है कि योर डिवाइस इज़ नॉट कंपैटिबल विद दिस वर्जन, लगभग ये कुछ कुछ डिवाइस में ऐसा सो रहा होगा। तो टेंशन मत लें, गेम अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, तो जब रिलीज़ होगा तो यह हट जाएगा। गेम को चलाने के लिए 4GB रैम या उससे ज़्यादा चाहिए, 4GB रैम में तो आसानी से चल जाएगा। तो टेंशन देने की बात नहीं है, ये गेम जब रिलीज़ होगा तभी ये हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो मेरा दूसरा फ़ोन है, उसी फ़ोन में थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये मेरा दूसरा फ़ोन है, दूसरा फ़ोन में देखिए यहाँ पर लिखा है दिस आइटम इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। इसका यही मतलब है कि गेम अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो आप सब भूलेंगे, था आज 15 मार्च है तो गेम रिलीज़ होना चाहिए था। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। इसके बारे में भी DBD ने बता दिया था कि कल रात 1:30 बजे ट्वीट किया था कि गेम रिलीज़ हो रहा है 15 मार्च, बट टाइमिंग नोट कर लीजिए, रिलीज़ हो रहा है 22:00 ET, और अगर इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करेंगे वो हो रहा है 16 मार्च सुबह 7:30 बजे। तो इसका यही मतलब है कि गेम रिलीज़ हो रहा है कल सुबह 7:30 बजे। अभी बोलेंगे तो गेम तो और लेट हो गया है, क्या करें, तो पता है कुछ ही घंटे बचे हैं, इतना वेट कर लिए हैं और कुछ ही घंटे बचे हैं और थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जिन जिनका प्रॉब्लम आ रहा था कि डिवाइस इनकम्पेटिबली या सर्वर जिनका जिनका फ़ोन में आ चुका है अपडेट इंस्टॉल कर लिए, तो सर्वर अभी तक खुले नहीं है, इसलिए सर्वर प्रॉब्लम दिखा रहा है। कल जब गेम लॉन्च हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी हट जाएगा। तो तब तक के लिए वेट कर लीजिए, कुछ ही घंटे बचे हैं, फिर हम इन्जॉय करेंगे न्यू वर्जन के लिए। और इतना ही अपडेट के लिए अपडेट है, और पसंद वीडियो आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।